कोरोना महामारी और साथ ही साथ दो बार के दोहरे लॉकडाउन ने कई टेलीविजन एक्टर्स पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। इसी बीच एक टेलीविजन एक्टर जिन्हें आप हनुमान के किरदार में देख चुके हैं, उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं टीवी के हनुमान यानी कि निर्भय वाधवा के बारे में। निर्भय वाधवा तकरीबन 1.5 साल से बेरोजगार हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई भी काम नहीं मिला है। इसी कारण आर्थिक तंगी से तंग आकर उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। बेरोजगारी के चलते उन्हें अपनी बाइक को बेचना पड़ा और आर्थिक तंगी के चलते वो काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। यहाँ हनुमान के किरदार में नजर आ चुके हैं निर्भय वाधवा और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें अपनी छोटी छोटी चीजों को जरूरत के लिए बेचना पड़ रहा है और संघर्ष करना पड़ रहा है। एक्टर के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उन्हें अपनी पसंदीदा बाइक भी बेचनी पड़ी है। अपने हालात के बारे में खुलकर बात करते हुए एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि लगभग 1.5 साल से वो घर बैठे हैं और चीजें बदतर हो गई हैं और इसी तालाबंदी के दौरान उनकी सारी बचत खत्म हो गई और अब नौबत ही आ गई है कि उन्हें अपनी छोटी छोटी चीजें बेचनी पड़ रही हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।